आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी भी बोला जाता है। तो अगर हम सी राजगोपालचारी की बात करें तो इनका बहुत बड़ा जीवन रहा है, आजादी से लेकर आजादी के बाद तक 94 साल तक इनका जीवन था। 94 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। तो हम आजादी से पहले भी भारत को देखेंगे, हमेशा ही देखते हैं, और आजादी के बाद भी भारत को देखेंगे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जानेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि भारत रत्न की ये सीरीज है, ये जो लेक्चर्स है मैं उन पे कर रहा हूं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आज हम बात करेंगे सी राजगोपालचारी की। रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए दोस्तों, अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा है सी राजगोपालचारी का। तो आप लिस्ट देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नहीं तो पॉज करके देख लीजिए। अब तक आपको याद ही हो गई होगी, इससे पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं भारत रत्न अवॉर्डीज पे, ठीक है, देख लीजिए। तो यहां पे राजगोपालचारी कहां है, यहां ये देखिए, सी राजगोपालचारी जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट थे भारत रत्न के, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी ये पहले थे जिनको भारत रत्न मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्लेस है हिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है राजगोपालचारी की। अब राजगोपालचारी की बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1878 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनको राजा जी भी बोला जाता था या सीआर भी बोला जाता था। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े लेखक थे, भैया इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, और एक एक्टिविस्ट, लॉयर, हिस्टोरियन, स्टेट्समैन, सब कुछ थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, आजाद भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे जब तक हमारा कानून नहीं बना था। 1950 में हमारा कानून लागू हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वो सारी चीजें हो गई। 1948 से लेकर 1950 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रह चुके हैं ये, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में तो इन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया ही था। वैसे बता दूं कि शुरू में तो कांग्रेस से काफी जुड़े थे ये, नेहरू से इनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन आजादी के बाद नेहरू से रिश्ते इनके बहुत खराब हो गए थे। इन्होंने कांग्रेस से हटके अलग पार्टी बना ली थी। उन सब की सारी चीजों की बात करेंगे, सीआर फॉर्मूला भी थोड़ा देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, किस तरीके से इन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ जाए, आजादी मिल जाए, उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। तो उसको बोला गया सीआर फॉर्मूला, जो डेडलॉक बन गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी सी राजगोपालचारी को, लेकिन ना ही जिन्ना ने माना था और ना ही हिंदू लीडर्स ने माना था, कांग्रेस लीडर्स ने माना था, दोनों ही ने सीआर फॉर्मूला को अपोज कर दिया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 1878 में जन्मे थोरापल्ली गांव मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दूं कि ये तीसरे बेटे थे चक्रवर्ती वेंकटरायन और चक्रवर्ती सिंगारम्मा, तो इनके बेटे थे। इनके पिताजी एक विलेज मुंसिफ थे। आपको बता दूं कि जब ये पैदा हुए थे तो ऑलरेडी 2 बच्चे थे, ठीक है, चक्रवर्ती वेंकटरायन के ऑलरेडी 2 बच्चे थे। अब शुरू में ये बहुत ही कमजोर थे, ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो ये इतने ज्यादा कमजोर थे कि इनके माता पिता को लगा कि ये ज्यादा दिन जिंदा ही नहीं बच पाएगा। लेकिन राजगोपालचारी तो शुरू से ही फाइटर थे, वो जिंदा रहे और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों बहुत ही कम उम्र में ही, 5 साल में ही इनका जो दाखिला था वो स्कूल में करा दिया गया, आरवी गवर्नमेंट स्कूल में इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने 10th की परीक्षा पास की 1891 में बैंगलोर से, सेंट्रल कॉलेज बैंगलोर से, और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से, वही प्रेसिडेंसी कॉलेज जहां से सीवी रमन भी पढ़े थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से इन्होंने लॉ की डिग्री ली, तो एक लॉयर हो गए, ठीक है। अब जब ये लॉयर हो गए तो उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ही एफिशिएंट लॉयर थे ये, और दूसरी चीज ये है कि इसी दौरान ये कांग्रेस के काफी करीब आने लगे। कांग्रेस से इनकी शुरू में ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी जो भारत के आजादी के बारे में सोच रही थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कांग्रेस का भी जो पूरा ये एरा है उसको भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे 1885 से 1905 तक ये जो 20 साल का एरा रहा है ये मॉडरेट्स का एरा रहा है। यहां मॉडरेट्स का दबदबा था, मॉडरेट्स मतलब वो बोलते थे कि आजादी बिल्कुल चाहिए हमको, आजादी लेके रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर रहेगा यहां पे, हमको आजादी चाहिए, हमको ब्रिटिश
कि जो वस्तुएं हैं, जो बाहर से चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, उनसे आजादी चाहिए, एजुकेशन से आजादी चाहिए जो बाहर की है, लेकिन ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी सी इनकी सोच थी। 1905 के बाद पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई जब डिमांड फॉर स्वराज उठी और जब सूरत सेशन हुआ। यहां से फिर उदय हुआ बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों का। तो यहां पे भारत में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गए, और भारत के बाहर सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मैडम भिखाई जी कामा, ये सब एक्टिव थे बाहर। तो भारत के बाहर भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गए थे। बहरहाल मैं उस पर अभी नहीं जाता हूं क्योंकि फिर वो एक बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। वैसे ही राजगोपालाचारी का काफी लंबा लेक्चर है क्योंकि इसको इसमें मुझे बहुत कुछ आपको समझाना है। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है वो सेलम में 1900 में शुरू की, और 1897 में राजगोपालाचारी की अलामेलु मंगलम्मा से शादी हो गई, और इनके 5 बेटे। बता दूं कि इनके बेटे भी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद दोस्तों 28 साल के जब ये हुए तब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की 1906 में, एक डेलीगेट के तौर पे ये गए थे। और यहां पे जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, अब मैंने अभी बताया आपको कि 1905 के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया था दोस्तों। यहां पे जो देशभक्ति की भावना थी भले ही कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, ठीक है ना, कांग्रेस का काफी बार स्प्लिट हुई है। अक्सर लोगों को लोग यही समझते हैं कि सिर्फ 1905 1907 की ही जो सूरत सेशन में स्प्लिट हुई थी वही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कांग्रेस काफी बार टूटी है। 1923 में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्लिट हुआ था, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो यहां पे दोस्तों राजगोपालाचारी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। मैंने गोपाल कृष्ण गोखले की बायोग्राफी कवर की है, मैंने आपको उनकी आइडियोलॉजी बताई थी और एक कंपैरिजन दिया था कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में क्या क्या मतलब अंतर था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, सब कुछ अच्छा था लेकिन विचार नहीं मिलते थे। तो बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे सी राजगोपालचारी। और उसके बाद फिर इन्होंने भारत में जितने भी मूवमेंट्स, आने वाले मूवमेंट जो होंगे, सी राजगोपालचारी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों शुरू हुआ, ठीक है। अब अगर हम भारत की मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करें, जो आधुनिक इतिहास है भारत का आजादी से पहले तक, तो उसको भी हम डिवाइड करते हैं। यहां पे जब गांधी जी आ गए तो गांधी जी के बाद इतिहास फिर से बदलने लगा क्योंकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो हमको छोड़ के चले गए। उसके बाद किसके हाथ में कंट्रोल होगा? महात्मा गांधी के हाथ में कंट्रोल होगा। और जितने भी आने वाले लीडर्स हैं 1915 के बाद, जितने भी लीडर्स हैं, नेहरू हो, पटेल हो, हर कोई महात्मा गांधी से प्रभावित था। उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चलना शुरू कर दिया। यहां पे राजगोपालचारी भी महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। हालांकि राजगोपालचारी और महात्मा गांधी के जो रिश्ते थे वो एक समय पे मतलब विचारों में मतभेद हो गए। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था लेकिन सिराज गोपालचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, वो हम अभी देखेंगे। तो राजगोपालचारी इनके फॉलोअर हो गए, महात्मा गांधी जी के फॉलोअर हो गए। और उसके बाद फिर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत ने कंडक्ट किए उसमें पार्ट लेने लगे। सबसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो नॉन कॉपरेशन में उन्होंने पार्ट लिया। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, एक चीज और हुई थी दोस्तों इस बीच में, 1919 में क्या हुआ था याद है कि नहीं? जलियांवाला बाग तो हुआ ही था, लेकिन जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? अच्छा, जलियांवाला बाग मसाकर पे मेरा एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। मॉन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म रोलेक्ट एक्ट, भारत में डायरकी आ गई थी, ठीक है ना, भारत में डायरकी आ गई थी। यहां पे सरकार भी कंट्रोल करेगी और एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल करेंगे। पावर ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा मिल गई थी, भारतीय उसमें थे ही नहीं, कोई भी भारतीय उसमें नहीं था। तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और सारे लीडर्स बोल रहे थे कि ये जो कानून आया है ये भारत को मजबूत तो कर नहीं रहा है, भारत को तो कमजोर करता चला जा रहा है, ऊपर से इसमें कोई भी इंडियंस नहीं है, ये कैसे हो रहा है? तो सबने अपोज करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, वो सब आप देख लीजिएगा, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ था, सीआर ने भी इसको अपोज किया, ठीक है, सीआर ने भी अपोज किया। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो महात्मा गांधी जी का काफी क्रिटिसिज्म हुआ। वैसे महात्मा गांधी जी, अच्छा मुझे रीजंस बताइए, मैंने कई बार इसको डिस्कस किया लेकिन आज आप मुझे बताएंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया जाना क्या सही था या गलत था, अब बताइए। लेकिन उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, एकदम प्रॉपर एक इंटेलेक्चुअल की तरह डिस्कशन कीजिएगा, पॉइंट दीजिए
क्या ये सही था या गलत था, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं इसमें इसको बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहां पे दोस्तों जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे थे कि हम जो है अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम पार्टी बनाएंगे। तो स्वराज पार्टी बनी। अब यहां पे भी कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई। बहुत कुछ लोग बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स के साथ काम करके हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे बिल्कुल भी नहीं, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो यहां पे नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में लड़ाई हो गई। कांग्रेस के बीच में ही, कांग्रेस में ही ये जो धड़े थे ये डिवाइड हो गए, ये दो धड़े हो गए, दो ग्रुप बन गए। ठीक है, नो चेंजर्स मतलब हम बिल्कुल भी ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रो चेंजर्स चेंज लाएंगे लेकिन ब्रिटिश के साथ चेंज लाएंगे। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। हालांकि यहां पे नो चेंजर्स जीते और नो चेंजर्स में ही सीआर दास थे, ठीक है ना, सीआर दास नो चेंजर्स को लीड कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। कांग्रेस का स्प्लिट हुआ दोस्तों 1923 में, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों ठीक 1923 के बाद 1924 में एक वैकॉम सत्याग्रह हुआ, ठीक है, वैकॉम सत्याग्रह दोस्तों जो कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। यहां पे दोस्तों दलितों के साथ बहुत ही अन्याय होता था। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए वैकॉम सत्याग्रह क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉइंट वाइज बताइए, पढ़िएगा वैकॉम सत्याग्रह। ट्रावन कोर में ही शुरू हुआ था। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने वैकॉम सत्याग्रह में भी पार्ट लिया, ठीक है, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट था, बाकी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, बढ़ चढ़ के यहां पे सी आर दास ने हिस्सा लिया इसमें। लेकिन मेन चीज हुई 1935 में, 1935 में सिराज गोपालचारी पूरी तरीके से लैम लाइट में आ गए। अब सिराज गोपालचारी कैसे लैम लाइट में आए दोस्तों, 1935 में भारत को पार्शियल इंडिपेंडेंस मिल गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था 1935 में, क्यों, जो भारत की पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस लड़ सकती हैं, ठीक है ना, जो प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते हैं वो लड़ सकती हैं। अब यहां पे दोस्तों जब तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में इलेक्शन हुए, तो यहां पे सिराज गोपाल मतलब कांग्रेस जीती और सिराज गोपालचारी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1937 से 1940 तक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीत थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत के लिए। हालांकि जो डिसीजंस सीआर ने लिए वो थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल थे, उसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई। 1937 से लेकर 1940 तक का जो टेन्योर था सीआर का, चीफ मिनिस्टर रही है मद्रास के, उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई क्योंकि कुछ डिसीजन बिल्कुल सही नहीं थे। एक डिसीजन ये था कि हिंदी को कंपलसरी कर दो सीआर। अब यहां पे देखिए एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे सीआर शुरू से ही हिंदी को काफी सपोर्ट करते थे और जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने हिंदी का सपोर्ट किया, लेकिन आजादी के बाद उनके व्यू बदल गए। आजादी के बाद वो बोलते थे कि हिंदी इतनी ज्यादा कंपलसरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते। तो यहां पे 1965 में प्रोटेस्ट हुए भैया, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए, और ऐसा ही प्रोटेस्ट 1937 में हुआ। फर्क मतलब ये इसी दौरान हुआ जब ये चीफ मिनिस्टर थे। फर्क ये था कि जब लेट 1930s में जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि हिंदी को कंपलसरी क्यों किया जा रहा है और सीआर दास हिंदी का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1965 में जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें सीआर दास ही बोल रहे थे कि हिंदी को पूरी तरीके से लागू करना सही नहीं है। तो यहां पे एक तरीके से ये डुअल कैरेक्टर सामने आता है सीआर का, लेकिन जो भी हो एक बहुत ही जबरदस्त नेता थे सीआर। अब यहां पे दोस्तों क्या डिसीजंस थे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, जब जो प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है ना, इसको लेके मतलब जो सीआर दास कह रहे थे कि हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाए और हिंदी जो कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे उसमें हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे बहुत लोगों को दबा दिया गया था। बहुत लोगों मतलब काफी ज्यादा एक तरीके से वायलेंट मेजर्स यहाँ पे लिए थे सीआर ने ताकि सबकी भूलती बंद कर दी जाए, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद इन्होंने अल्कोहल को बैन कर दिया था, ठीक है, एडिशनल टैक्सेस यहाँ पे लगा दिए थे, एडिशनल सेल्स टैक्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस में बहुत बड़ा असर पड़ने लगा था। तो यहाँ पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो 3 साल का टेन्योर है ये बेस्ट माना जाता है। आजादी से पहले प्रोविंसेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मद्रास प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, सीआर। उसके बाद दोस्तों सिराज गोपालचारी ने टेंपल एंट्री अथोराइजेशन एक्ट पास किया। अब इसके इस एक्ट के अंदर
दलित हो चाहे कोई भी लोअर कास्ट का हो वो मंदिर में जाके दर्शन कर सकता था, क्योंकि उस समय एंट्री नहीं थी, जो कि बहुत गलत था। दलितों की बिल्कुल एंट्री नहीं थी मंदिरों में, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत था एक तरीके से, तो इसको इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट भी इन्होंने पास किया, जो बहुत भयंकर कर्जे लाद दिए जाते थे, जबरदस्ती कभी कभी लाद दिए जाते थे किसानों पे, उससे रिलीफ कम से कम उनको मिल जाए, ताकि जो पेजेंट है, जो किसान है, वो खुश रह पाए। तो ये भी एक्ट ये लेके आया, एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर टू में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो हर कांग्रेस लीडर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ के इंडिया के वाइसरॉय ने उस समय बोल दिया था, कौन थे इंडिया के वाइसरॉय, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया के वाइसरॉय ने इस समय ये बोल दिया था कि भारत भी वॉर में है और हम भी वॉर में है, मतलब हम जा रहे हैं वॉर में और भारत हमारी कॉलोनी है, तो भारत अल्टीमेटली वॉर में है। अब यहां पे सारे लीडर्स खफा हो गए, महात्मा गांधी जी ने बोला कि अब तो करेंगे या मरेंगे, इस्तीफा देना शुरू कर दो। तो जो जो भी सरकारी पोजिशंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास, सबने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट की तरह चालू हो गया, और इसी के तर्ज पे क्विट इंडिया मूवमेंट को चालू किया गया 1942 में। 1940 में सीआर ने भी इस्तीफा दिया था दोस्तों, और उसके बाद जैसे ही इस्तीफा दिया सी राजगोपालाचारी ने, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, एक साल की उनको जेल भी हुई। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट में सीआर का क्या रोल है 1942 में। देखिए, शुरू में तो वॉर में नहीं जाना है, बिल्कुल सही, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, 1942 आते आते सीआर का मन डोलने लगता है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम इस समय पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाएंगे और ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद भारत में भी इन्वेजन हो जाए, और अगर भारत में इन्वेजन हुआ तो यहां पे ब्रिटिश तो छोड़िए, हमको जर्मनी और जापान से, जापान का तो खतरा मंडरा ही रहा था ना, जर्मनी और जापान दोनों से निपटना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो सपोर्ट करना चाहिए हमको ब्रिटिशर को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसी दौरान दोस्तों सीआर फॉर्मूला आया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। अब दोस्तों ये क्या था, देखिए सीआर फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये जो सीआर फॉर्मूला था, इसमें सीआर ने बोला था कि मुस्लिम लीग से हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था। मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, हमको सेपरेट देश दे दो। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं थी। तो यहां पे बीच का रास्ता निकालने के लिए, इससे पहले क्रिप्स मिशन आ चुका था, वो फेल हो चुका था, कैबिनेट मिशन प्लान अभी तक आया नहीं है, तो बीच का रास्ता निकालो, सीआर प्लान लेके आओ। तो यहां पे सीआर ने यह सुझाया था कि हमको मुस्लिम लीग से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये प्लान क्या था, क्विकली मैं फटाक से बता देता हूं इसमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। देखिए दोस्तों, सीआर प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि भैया पहले आजादी ले लो, सबसे पहले आजादी ले लो, मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, आजादी मिल जाए उसके बाद बैठ के डिसाइड कर लेंगे किसको क्या चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था कि पाकिस्तान होना चाहिए, इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस था सीआर फॉर्मूले में, ठीक है। कैसे एक्सेप्टेंस था, यहां पे ये बोला था कि प्लेबिसाइट करा दो, प्लेबिसाइट मतलब एक बार जब आजादी मिले तो जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, जहां पे मेजॉरिटी है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, वहां पे एक प्लेबिसाइट करा दो, एक वोटिंग करा दो, और वोटिंग करा दो तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये तो इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस है, जिसकी वजह से हिंदू लीडर्स ने, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने बोला था बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, और आजादी सबसे पहले मेन मुद्दा यही था कि सबसे पहले आजादी ले लो उसके बाद बैठ के हम डिसाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट यह था कि अगर पार्टीशन हो भी जाता है, ठीक है, तो डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये सब मिल बांट के हम लोग चलाएंगे, साथ में कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश को, जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिशर है, उनको पावर का ट्रांसफर इंडिया को करना ही होगा। तो वही मेन बात सामने आ जाती है कि पहले आजादी लेंगे। अब यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया। मोहम्मद अली जिन्ना तो वैसे सब कुछ नकार देते थे, अगर कुछ भी, उनको सिर्फ और सिर्फ एक अलग देश चाहिए था, ठीक है, वो इससे नीचे उनको कुछ भी मंजूर नहीं था, अलग देश चाहिए था या फिर उनकी देश में सरकार बन जाती। अब ये तो नामुमकिन था क्योंकि मेजोरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जहां जहां पे भी चुनाव हुए थे वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी, वो मैंने पूरा लेक्चर कवर किया, आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखोली रॉयट्स, पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो सब मैंने कवर किया, आपको अच्छे से पता चल जाएगा।
तो यहां पे दोस्तों जिन्ना ने ये बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां तो हिंदू भी हैं, अगर प्लेबिसाइट कराना है तो सिर्फ मुस्लिमों का कराओ। अब दोस्तों अगर खाली वहां पे मुस्लिमों का करा रहे हैं प्लेबिसाइट, तो वो तो जाहिर सी बात है उस समय पोलराइजेशन इतना हो गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना कुछ कह दिया था कि वो तो डेफिनेटली यही बोलेंगे कि एक अलग देश बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन लीडर्स ने भी यही बोला कि भैया अगर यहां पे प्लेबिसाइट हो रहा है और कहीं ये पाकिस्तान के फेवर में चला गया तो कई बहुत सारे हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैं, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस हैं, वो चले जाएंगे फिर पाकिस्तान, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस सीआर फॉर्मूले को नकार दिया गया, बीच का रास्ता नकार दिया गया। इसके बाद फिर लियाकत देसाई पैक्ट आया, ठीक है, बीच का रास्ता निकालने के लिए, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट, उस पर भी बात नहीं बनी, ठीक है। और बात कब बनी, जब फाइनली भैया डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, ग्रेट कैलकटा किलिंग से उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया पे जब मुहर लगी, एक अलग देश बन के ही रहा। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये सीआर फॉर्मूला था। उसके बाद दोस्तों सीआर फॉर्मूले पे बात कुछ जमी नहीं है। 1946 में आपको पता ही है इंटरिम गवर्नमेंट और यहां पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे सीआर। और एक चीज बता दूं कि 1943 में इन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा मतभेद हो रहे थे, आप देख रहे ना कि कांग्रेस पार्टी किधर जा रही है और सीआर का विचार किधर है, तो यहां पे 1943 में सीआर ने इस्तीफा भी दे दिया। और यहां पे उस समय के कामराज, जो कि बहुत बड़े लीडर थे, मद्रास के बहुत बड़े लीडर थे, मतलब कांग्रेस के, कामराज की भी वैसे बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा, तो उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, तो के कामराज के साथ इनके काफी ज्यादा डिफरेंस थे और ये हमेशा रहे, ठीक है। तो इसकी ये डिफरेंस भी जो पॉलिटिक्स चल रही थी इसमें सामने आए। बहरहाल यहां पे दोस्तों नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी को इनवाइट किया और अपनी कैबिनेट में इनवाइट किया, ठीक है। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी और नेहरू की पहली कैबिनेट जब बनी, तो यहां पे सीआर को इनवाइट किया गया था और सी राजगोपालाचारी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री सप्लाई एजुकेशन एंड फाइनेंस थे इंटरिम गवर्नमेंट जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, मद्रास असेंबली से ये चुन के आए थे, ठीक है ना, इसीलिए नेहरू जी ने इनको इनवाइट किया था। नेहरू जी की खास बात यह थी कि उन्होंने हर उस इंसान को इनवाइट किया था जो कि उनके अगेंस्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेहरू जी चाहते थे कि हर तबके के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आए, हमारी सरकार में रहे, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसके बाद दोस्तों आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। पहले तो ये एक्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो एक्टिंग गवर्नर जनरल ये बनते हैं, उसके बाद इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सिराज गोपालचारी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोल सकते हैं, 1948 से लेकर 1950 तक। और जब कानून बना 26 जनवरी 1950 तक, उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट हो गई, वो आपको पता ही है। अब यहां पे ये भी था कि राजगोपालचारी ही इंडिया के पहले प्रेसिडेंट होंगे, ये एजम्पशन किया जा रहा था कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट यहां पे तो राजगोपालचारी की है तो वही प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन बाद में, और नेहरू जी भी राजगोपालचारी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में बहुत लोगों ने अपोज भी करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के ऐसे लीडर्स थे जो ये बोल रहे थे कि सी राजगोपालाचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में तो भाग लिया नहीं, ठीक है, तो इनको कोई हक भी नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब व्यूज आने लगे। तो सी राजगोपालाचारी ने अपना ये जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लिया, वो प्रेसिडेंटशिप के लिए फिर गए ही नहीं। इसी दौरान दोस्तों 1947 में इनको गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी बनाया गया था। अब उस समय आपको पता ही है आजादी के बाद कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कैलकटा किलिंग्स हुई थी, ठीक है, नोआखली रॉयल्स, डायरेक्ट एक्शन डे सब पूरा हो गया था, पूरा हुआ था। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग को फिर पाकिस्तान देना ही पड़ा था, कोई चॉइस नहीं थी, तो यहां पे इनको गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी बनाया गया था, है ना। बंगाल के दो हिस्से थे ना, एक तो ईस्ट बंगाल जो कि पाकिस्तान के साथ चला गया था, ठीक है। अब शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी मैंने कवर की, उसमें मैंने ईस्ट बंगाल की पूरी हिस्ट्री बताई है और पाकिस्तान की भी पूरी हिस्ट्री बताई, आप देख लीजिएगा। तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था और वेस्ट बंगाल जो भारत के पास था, तो 1947 में राजगोपालचारी को वेस्ट बंगाल का भी गवर्नर बनाया गया था। लेकिन यह भी टेन्योर कोई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि यहां के लोग, सिराज गोपालचारी बंगाली नहीं थे तो लोग बहुत इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेन मोटिव यही था सिराज गोपालचारी को कि जो भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं ईस्ट बंगाल से और जो ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के बाद जो भी कंडीशन हुई है उसके बाद शांति बनाई जाए और रेफ्यूजीज को अच्छे से हैंडल किया जाए। तो ये सारी चीजें थी और उसमें काफी कामयाब भी हुए। उसके बाद दोस्तों 1950 में जब कानून बना, यहां से नेहरू और सिराज गोपालचारी के रास्ते अलग होने लगे। पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे,
लेकिन जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होती है 1950 में, सिराज गोपालचारी को होम अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 10 महीने तक ही रहता है ये इनके पास पद, क्योंकि नेहरू जी से तल्खियां होने लगी थी, बहुत सारी चीजें थी जब ये इंटरिम गवर्नमेंट में थे सिराज गोपालचारी, तो ये एज एन मीडिएटरी काम करते थे, नेहरू जी और पटेल जी के बीच में मीडिएटर थे ये, नेहरू जी की बात पटेल जी तक पहुंचाते थे, पटेल जी की बात नेहरू जी तक पहुंचाते थे। लेकिन जब पटेल जी का देहांत हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हुआ, तो उसके बाद सिराज गोपालचारी जो भी नेहरू से कहते थे, नेहरू उसको मानते ही नहीं थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यहां पे दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी, भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनना। अब नेहरू जी इसके फेवर में थे, लेकिन यहाँ पे सीआर इनके फेवर में नहीं थे कि भाषा के आधार पे अगर हम राज्यों को बनाते हैं तो यहाँ तो फिर डिसयूनिटी हो जाएगी, लोगों में भाईचारा खत्म हो जाएगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये डिसीजन भी सीआर का नहीं माना गया, नेहरू ने नकार दिया। उसके बाद नेहरू जी मानते थे कि हिंदू महासभा सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, सीआर मानते थे कि कम्युनिस्ट सबसे बड़े थ्रेट हैं, तो ये भी चीज सीआर की नेहरू जी ने नहीं मानी। और भी बहुत सारी चीजों पे डिफरेंसेस थे, चाइना को लेकर भी डिफरेंसेस थे, तो यहां पे सी राजगोपालचारी जो भी बोलते थे नेहरू जी से उनको नहीं मानते थे, तो फाइनली सीआर अलग हो गए यहां पे। और उसके बाद जब क्या कहते हैं कि इन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ा और कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, उसी वक्त मद्रास में इलेक्शंस हो गए। अब 1952 में आपको पता ही है दोस्तों, भारत में लोकसभा में इलेक्शंस हुए थे और भारत के प्रोविंसेस में भी इलेक्शन हुए थे, तो मद्रास प्रोविंस में किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कोलिशन बनाई थी उनको मेजोरिटी मिल गई थी। तो यहां पे सिराज गोपालचारी ने मौके की नजाकत को समझा, उन्होंने क्या किया, गठजोड़ की सरकार बनाई। दोस्तों इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस में अभी थे ये। तो यहां पे दोस्तों जब ये सारी चीजें हुई तो सिराज गोपालचारी ने ऑपोजिशन के कुछ नेताओं को अपने साथ मिला लिया, और यहां पे ना नेहरू से कंसल्ट किया गया, ना यहां पे मद्रास के जो जो कैबिनेट थी उनसे कंसल्ट किया गया, सीधा वहां के गवर्नर ने जो कि श्री प्रकाश थे, सिराज गोपालचारी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी से कंसल्ट नहीं किया, डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया। और बल्कि सिराज गोपालचारी तो इलेक्टेड भी नहीं थे, अब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जो भी हो सिराज गोपालचारी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर टेन्योर भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि जो इनके डिसीजंस थे वो भी बहुत ज्यादा लोगों को रास नहीं आए। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने इकोनॉमिक डिसीजन लिए, ठीक है, कि राशनिंग ऑफ शुगर को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और जो यूनिवर्सिटीज में जो रूल चल रहे हैं उसको बदलेंगे। इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि जो स्कूलिंग होगी बच्चों की वो खाली 3 ही घंटे तक होगी। अब यहाँ पे लोग इतने भड़क गए, ना ये क्या है, बाकी समय जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ ही बिताएंगे। तो यहां पे इतने ज्यादा इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ कि इनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया 1954 में, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, और नेहरू जी ने भी सिराज गोपालचारी का काफी अपोज किया। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जो है सत्ता से ना बाहर हो, लेकिन सिराज गोपालचारी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कुछ समय के लिए इन्होंने ब्रेक लिया और 1957 में, 1957 में फाइनली इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1953 में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। 1953 में क्या हुआ था दोस्तों, कि एक सेपरेट स्टेट की मांग उठने लगी आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी वहां पे बोलने लगी कि हमको एक अलग राज्य चाहिए, और इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट होने लगे दोस्तों। पुट्टी श्रीरामलू ने यहाँ पे अनशन शुरू कर दिया और पुट्टी श्रीरामलू का देहांत हो गया, क्योंकि जो मांग थी कि सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, जो तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, वो यहां पे सीआर ने नहीं मानी, जिसकी वजह से पुट्टी श्रीरामलू का देहांत हुआ, जिसकी वजह से वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसकी वजह से पहला लिंग्विस्टिक स्टेट भारत का आंध्र प्रदेश बना 10 अक्टूबर 1953 में, कुरनूल जिसकी कैपिटल थी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन था यहां पे, ठीक है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जो भारत में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1957 में इन्होंने कांग्रेस से पूरी तरीके से रिजाइन कर दिया, पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस से अब इनका कोई नाता नहीं, इन्होंने एक सेपरेट पार्टी बना ली। पहले तो कांग्रेस रिफॉर्म कम्युनिटी बनाई, ठीक है, उसके बाद में यही कमिटी पार्टी में तब्दील हो गई। उसके बाद जब इलेक्शन हुए, इन्होंने 13 सीटें जीती, 1957 में जब मद्रास में इलेक्शन हुए थे इन्होंने 13 सीटें जीती, और उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनके
उभरी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि फिर यही कमिटी जो थी वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई, और उसके बाद इन्होंने एक और सेपरेट पार्टी बना ली, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो कि इक्वालिटी के लिए खड़ी थी, उसका लोगो था, ये राइट विंग थी और इक्वालिटी के लिए खड़ी थी। और जो सरकार का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था उस समय, लाइसेंस राज चल गया था, लाइसेंस राज, लाइसेंस परमिट राज, ये टर्म जो है ये इन्होंने ही बोला था, इन्होंने ही कॉइन किया था कि ये जो पूरा जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो थी, हेयर पिन भी अगर किसी को बनाना हो तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो ये बिल्कुल देश को ले डूबेगी। तो इन चीजों को अपोज करने लगे, जो एक्सेसिव कंट्रोल था सरकार का उसको अपोज करने लगे। स्वतंत्र पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, 6 सीटें जीती मद्रास स्टेट में, जो 1962 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और 18 लोकसभा की सीटें जीती। उसके बाद दोस्तों 1967 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के भी और मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, फाइनली यहां पे सीआर की पार्टी को जीत मिली। हालांकि उन्होंने तीन पार्टी का कोलिशन बनाया था, यहां पे डीएमके, स्वतंत्र पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और 1967 के जो चुनाव हुए थे फिर स्वतंत्र पार्टी जीती और इनकी सरकार आई। लोकसभा के भी इलेक्शन में सबसे बड़ी, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन के उभरी स्वतंत्र पार्टी, 45 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जो असर है, जो प्रभाव है, वो स्वतंत्र पार्टी और सीआर का खत्म होने लगा, और सीआर की हेल्थ भी बहुत डाउन हो गई थी दोस्तों, 88 साल के थे। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, 1967 में जब मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो चीफ मिनिस्टर कौन बना था? चलिए भैया, 4 सवाल हो गए आपके, लेक्चर बढ़ाने इसलिए 4 सवाल। फाइनली 1972, 25 दिसंबर 1972, 94 साल की उम्र में सीआर का देहांत हो गया। और ये जो इनका इतना जबरदस्त जीवन था, लेजेंडरी जीवन था, इसका अंत हुआ। तो दोस्तों देखा आपने कितने बड़े नेता थे, फिर इनको भारत रत्न भी मिला, और बहुत ही बड़े लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन एक बहुत बड़े ऑथर भी थे ये दोस्तों। इन्होंने, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, इन्होंने सेलम लिटरेरी सोसाइटी भी बनाई थी, इन्होंने महाभारत रामायण को भी पब्लिश किया था, ठीक है ना, उसका तमिल वर्जन, ठीक है। इन्होंने सिराइल सिराइल तमाम मेडिटेशन इन जेल, 1921 से 1922 तक ही जेल में थे, 21 दिसंबर 1921 और 1900 मार्च 1922 तक ही जेल में थे। तो इनका जेल में क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके से इनका रहन-सहन था, कैसे अपना टाइम बिताते थे, वो भी इन्होंने पब्लिश किया था, और 1958 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो बहुत बड़े ऑथर भी थे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप